Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavigar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज मैं आपका लेक्चर लूंगी सेविंग पर. सेविंग इकोनॉमिक्स में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है, तो आज हम डिस्कस करेंगे सेविंग किसे कहते हैं, सेविंग किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है और हमारी सेविंग की कैपेसिटी कब कब बढ़ती है. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेविंग का मीनिंग क्या है. देखिए, ज़्यादातर सेविंग का मीनिंग हर कोई बता सकता है कि सेविंग किसे कहते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपकी इनकम 10,000 है, उसमें से 6,000 आप अपने खाने पीने पे, अपनी और ज़रूरतों के सामान पर खर्च कर देते हैं, तो बाकी कितने बचे? 10,000 में से 6,000 तो आपने अपनी ज़रूरतों पे खर्च कर दिए, बाकी बचे 4,000. तो ये जो 4,000 आपने बचाए, इसी को बचत या सेविंग कहते हैं. तो सेविंग का नाम आपका क्लियर हो गया टर्म, कि इनकम का वो पार्ट जिसे हम कंज्यूम नहीं करते हैं, जिसे किसी चीज़ पर खर्च नहीं करते हैं, जिसे हम बचा लेते हैं किसी भी फ्यूचर प्लानिंग के लिए या किसी और कार्य के लिए, तो उसे बोलते हैं हम सेविंग. तो सेविंग का मीनिंग बिल्कुल क्लियर है. इसमें जब आप मीनिंग लिखें तो आप एक एग्जांपल भी लिख सकते हैं. जैसे मैंने बताया था, अगर आपकी 10,000 की इनकम है, उसमें से आपने 6,000 या 8,000 खर्च कर दिए, तो बाकी कितने बचे आपके? 4,000 या 2,000. तो जो अमाउंट आपका बचा है, उसी को हम सेविंग या फिर बचत बोलते हैं. क्लियर हो गया आपको? अब हम देखेंगे कि ये जो सेविंग होती है, ये सेविंग किस किस रीज़न की वजह से करते हैं. देखिए, अगर आपकी 10,000 इनकम है या आपको पॉकेट मनी 100 रुपये की मिली, आप तो सोचोगे मैं सारे ही खर्च कर दूं, क्योंकि खर्च करने में आप चाट पकौड़ी भी खा सकते हो, अपने लिए कोई स्टेशनरी का आइटम भी खरीद सकते हो या कोई और आइटम खरीद सकते हो. तो फिर हम बचाते क्यों हैं पैसे का? क्योंकि हर व्यक्ति को जो है शॉपिंग करने में बहुत मज़ा आता है, नई नई चीज़ों को लेने में बहुत मज़ा आता है. तो उसके पास जो भी इनकम होती है, जो भी पॉकेट मनी है, उसे वो खर्च करना चाहेगा. तो फिर बचाने के क्या क्या रीज़न्स होते हैं? तो देखिए, सेविंग के रीज़न क्या क्या होते हैं. सबसे पहला तो है फैमिली अफेक्शन. अगर आपका अपने परिवार से प्यार है, तो आप ज़रूर कुछ बचाते हैं. देखिए, आपके फैमिली में आपके पापा हैं, वो अर्न करते हैं, तो वो जितना भी अर्न करेंगे, कुछ पैसे सोचेंगे कि मैं बचा लूँ. हो सकता है फ्यूचर में मेरे बेटे को जो है मोटरसाइकिल की ज़रूरत पड़ जाए. आजकल सारा काम जो है टीचर्स जो हैं ऑनलाइन देती हैं, तो हो सकता है जैसे मेरा बेटा अभी तो 8th में 10th में आके उसे मुझे स्मार्टफोन दिलवाना पड़े. या आपके घर में डॉटर है, तो आपको लगता है कि बेटी की शादी के लिए भी कुछ अमाउंट सेव करना है. तो जब आपको अपने परिवार से प्यार होता है, तो आप कुछ ना कुछ पैसे को बचाने की कोशिश करते हो, ताकि फ्यूचर में आप उनकी नीड को पूरा कर सकें. नेक्स्ट है आपका फॉरसाइटेडनेस, या जिसे बोलते हैं दूरदृष्टि. देखिए, इंसान दो तरह के होते हैं, एक तो जो बहुत दूर का सोचते हैं और एक दूर का नहीं सोचते हैं. अगर आपको जितने पैसे मिले आपने सारे खर्च कर दिए, कि कभी तो आप रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं, कभी आप घूमने के लिए जाते हैं, आपने कोई पैसे बचाए नहीं, तो फ्यूचर में अगर आप बीमार हो जाते हैं या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है या कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो फिर आपके कहाँ से पैसे आएंगे? फ्रेंड्स तो आपको पैसे देंगे नहीं, ठीक है ना? तो इसलिए अगर आपके पास पैसे जुड़े भी होंगे, तो आप आराम से बिना टेंशन के उन पैसों को यूज़ कर सकते हो. तो ये वही इंसान करते हैं जिनमें दूरदृष्टि होती है, जो ये सोच सकते हैं कि फ्यूचर में उनको ज़रूरत पड़ सकती है किसी भी काम के लिए. तो अगर आज हम कुछ पैसे बचा लेंगे, तो हमारे को फ्यूचर में बहुत हेल्प मिल जाएगी. तो जो लोग दूरदृष्टि का सोचते हैं, वो भी काफ़ी सेविंग करते हैं. नेक्स्ट है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन स्तर आपको कैसा बिताना है. देखिए, बहुत से लोग तो होते हैं, वो बहुत संतोषी होते हैं कि जो मिल रहा है वही ठीक है. भाई, खाने पीने के लिए मिल रहा है, हमें कोई अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं बढ़ाना, जो भगवान दे रहा है बस वही ठीक है, हमें कुछ बचा के हम क्या करेंगे.
लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा होता है, वो घर में सारा अपना फर्नीचर भी अच्छा रखते हैं, कार भी मेंटेन करने की सोचते हैं, फ़ोन भी अच्छा सा सोचते हैं, और कोई गेस्ट आता है तो उसकी आप भगत पे भी बहुत अच्छा खर्च करते हैं, तो वो सोसाइटी के हिसाब से अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है बना के रखते हैं। तो जिनको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बनाना है तो वो बचत ज़रूर करेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए आपको कुछ चीज़ें खरीदने की ज़रूरत पड़ती है, और वो एकदम से तो खरीदी नहीं जाती। जैसे आपको कार ही खरीदनी है तो एक बार की सैलरी से तो नहीं होगी, तो आपको थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके बचाना पड़ता है, फिर आप बाद में खरीद सकते हैं। तो अगर आप अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना चाहते हैं तो वो लोग जो है सेविंग ज़रूर करते हैं। नेक्स्ट है सोशल स्टेटस। देखिए, बहुत से लोग सोचते हैं कि हमारी सोसाइटी में एक रेस्पेक्ट होनी चाहिए, कोई हमारे घर में आए तो हमारी तारीफ़ करे कि भाई फला फला बंदर का घर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फर्नीचर है, या उनके घर में रहने वाले लोग बहुत ही अच्छे तरीके से रहते हैं। ये तभी होता है जब आप कुछ लग्जूरियस चीज़ों पर भी खर्च करते हैं, क्योंकि ये दिखावे की ज़िंदगी है। सोशल स्टेटस थोड़ा सा आपका दिखावे से भी बढ़ता है, तो दिखावे के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें खरीदनी पड़ती है, जैसे घर में एसी होना चाहिए, ड्राइंग रूम में अच्छा फर्नीचर होना चाहिए, डेकोरेशन के भी आइटम अच्छे होने चाहिए, तो ये एकदम से तो नहीं खरीदे जाते हैं। तो इसके लिए आपको हर महीने अपनी इनकम में से कुछ ना कुछ सेव करना होता है, तभी आप जो है फिर बाद में इन चीज़ों को खरीद सकते हैं और अपना सोशल स्टेटस बढ़ा सकते हैं। अब नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट, कि आप स्वतंत्रता चाहते हो। देखो, अगर आपके पास जो है पॉकेट मनी है, पापा ने कहा कि भाई मैं तो 100 रुपये हर महीने आपको दे सकता हूँ, अब आपको लगता है कि मेरे को जो है कोई नई, मेरे को नॉवेल पढ़ने का बहुत शौक है, तो पापा पे ही डिपेंडेंट रहोगे आप कि पापा से ही मांगने, और पापा तो 100 रुपये से ज़्यादा देंगे नहीं। तो अगर आपको कोई नॉवेल या कोई बहुत अच्छी किताब खरीदनी है तो आप इस 100 रुपये में से कुछ पैसे बचाना शुरू कर दोगे, कि जब भी मेरा कोई नई बुक खरीदने का मन करता है तो मैं पापा के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहूँगा, मुझे पापा से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी पॉकेट मनी से भी कोई चीज़ खरीद सकता हूँ। तो जब आप अपने आप को स्वतंत्रता की फीलिंग देना चाहते हैं तो आप उसके लिए बचा के जरूर रखते हैं, ताकि आप किसी पर डिपेंडेंट ना रहे। लास्ट है इसका प्रिक्वेशन। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन होता है, आपको नहीं पता है कि फ्यूचर पे आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। आप बीमार भी हो सकते हो, आपको जो है कोई पार्टी भी आ सकती है तो आपको नए कपड़ों की भी ज़रूरत हो सकती है, या आपको हायर स्टडीज़ के लिए जाना है तो आपको कॉलेज में एडमिशन के लिए भी फ़ीस की ज़रूरत हो सकती है। तो इस तरीके से अगर आपको प्रिक्वेशनरी मेजर से भी खरीदते हो, आप सावधानी लेते हो फ्यूचर के लिए, तो भी आपको आज की डेट में जो है सेविंग करनी पड़ती है। तो ये थे रीज़न सेविंग के लिए। अब हमारे पे रीज़न तो बहुत सारे हैं कि हमें फ्यूचर के लिए बचाना है या हमें अपने फैमिली मेम्बर की नीड के लिए बचाना है, लेकिन सिर्फ सोचने से ही थोड़ी ना आप बचा सकते हो। तो आपके पास पावर भी होनी चाहिए, कि आपके पास इतने साधन भी होने चाहिए कि आप इनकम अच्छी अर्न करो। जब इनकम अच्छी अर्न करोगे तो उसमें से कुछ पोर्शन तो खर्च होना ही होना है, क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान तो आपकी बेसिक नेसेसिटी है, उनके खर्च करने के बाद ही आप बचा सकते हो। तो पावर टू सेव में क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहला है आपका नेचुरल रिसोर्सेस या फिर प्राकृतिक संसाधन। अगर किसी भी देश में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत अच्छे होते हैं, वहाँ पे माइंस बहुत अच्छे हैं, खेती बहुत अच्छी होती है, तो वहाँ के लोग प्रॉस्परस होते हैं, वहाँ के लोग जो है इन नेचुरल रिसोर्स की मदद से काफ़ी पैसा अर्न करते हैं। तो जब आपकी इनकम ज़्यादा होती है तो आप खर्च करने के बाद भी आपके पैसे बच जाते हैं। नेक्स्ट है ट्रेड। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग में आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होता है, तो जो लोग व्यापार करते हैं उनकी इनकम ज़्यादा होती है, तो खर्च करने के बाद भी उनके पास इतनी पावर होती है कि वो कुछ पैसों को बचा लें। नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अगर आपकी कंट्री में या आपके लोकल एरिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज़्यादा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है तो बहुत फैक्ट्रियाँ इस्टेब्लिश होती हैं, फैक्ट्री इस्टेब्लिश होती है तो लोगों को बहुत रोज़गार मिलता है, रोज़गार मिलता है तो उनका इनकम लेवल बढ़ता है। तो जब भी इनकम लेवल बढ़ेगा तो जो आप पैसा खर्च कर लेते हैं तो कंजप्शन के बाद भी आप पे कुछ पैसे बच जाते हैं,
तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जितना ज़्यादा होगा उतनी ही आपके पास सेविंग करने की पावर ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है एफिशिएंसी ऑफ लेबर, मीन श्रम की कुशलता। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप क्या है, स्किल लेबर हैं। आप देखेंगे जो स्किल लेबर हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं या जो किसी काम में दक्ष होते हैं, उनका इनकम ज़्यादा होता है। तो जिनकी इनकम ज़्यादा होगी उनके जो सेव करने की पावर है वो भी ज़्यादा होगी। तो जितना ज़्यादा आप एफिशिएंट होंगे उतना ही इनकम आपकी ज़्यादा होती है और उतना ही आप पैसे को सेव कर सकते हैं। तो पावर हमारे पे ये होनी चाहिए, तभी हम जो है पैसे को बचा सकते हैं। नेक्स्ट है फैसिलिटी टू सेव। देखिए हमारे पास पैसे को बचत करने के लिए रीज़न भी हैं बहुत सारे, कि हमें अपने परिवार के लिए कुछ करना है, हमें अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है, हमें इमरजेंसी के लिए पैसे बढ़ाने हैं, हमें अपना सोशल स्टेटस मेंटेन करना है और उसके लिए हमारे पास इनकम भी है, हम अच्छा कमा भी रहे हैं। तो ये दो दोनों चीज़ें तो हैं, लेकिन अगर आपके देश में क्राइम बहुत है, लोग पैसा लूट के ले जाते हैं, तो आप कहेंगे भाई पैसा कमाने का क्या फ़ायदा मैम, तो जो भी पैसा बचाएंगे वही जो है सब लूट के ले जाएंगे, इससे तो बेटर है सारा का सारा खर्च ही कर दो। तो कुछ फैसिलिटीज़ भी गवर्नमेंट को देनी चाहिए ताकि लोग बाग सेविंग कर सकें, जैसे बैंकिंग फैसिलिटी। अगर बैंकिंग फैसिलिटी है तो आप क्या कर सकते हो, अपनी बचत को सेविंग अकाउंट खोल के उसमें जमा कर सकते हो, FD खोल सकते हो, रेकरिंग डिपॉजिट खोल सकते हो, तो उस पर कुछ आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। तो आपको लगता है हमारी बचत एक तो सुरक्षित है बैंक के हाथों में और हमें कुछ ना कुछ उस पर और पैसा इंटरेस्ट की फॉर्म में मिलता है। तो जब बैंकिंग सुविधाएं ज़्यादा होती हैं तो लोग बाग जो है ज़्यादा बचत करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है पीस एंड सिक्योरिटी। मैंने अभी आपको बताया था जहाँ पे शांति होती है, आपके पैसे की सिक्योरिटी होती है, चोरी का डर नहीं होता है, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा पैसा बचाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनका पैसा चाहे वो घर में रख रहे हैं या बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं बिल्कुल सेफ है। तो उनके पास अगर फैसिलिटी टू ये सेव होती है तो वो ज़्यादा अमाउंट को बचाते हैं। लास्ट है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, निवेश के अवसर। देखिए जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है आप वहाँ पे जो है अमाउंट को ज़्यादा सेव करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको पता है कि मैं जॉब कर रहा हूँ, इसके साथ साथ अगर मैं कोई साइड बिजनेस भी खोल लेता हूँ और आप पे वो बिज़नेस खोलने की अपॉर्चुनिटी है, आपको पता है मैं ऐसे बिजनेस खोल सकता हूँ तो मुझे ऐसे प्रॉफिट होगा, तो आप ज़्यादा पैसे बचाएंगे ताकि वो बिज़नेस को खोल सकें, क्योंकि आप पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। अगर आप पे कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है तो फिर आप सोचेंगे कि भाई क्या बचा के करना, मैं इस पैसे को मल्टीपल तो कर ही नहीं सकता, तो मैं चीज़ें ही खरीद लेता हूँ। तो आप जो है ज़्यादातर पैसा जो है कंजप्शन पे खर्च कर देंगे। तो अगर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होती है तो इंसान जो है प्रेफर करता है कि वो ज़्यादा अमाउंट सेव करे। तो ये था आपका फैसिलिटी टू सेव। तो आपको पता चल गया कि सेविंग किसे कहते हैं और सेविंग करने के रीज़न क्या क्या होते हैं और सेविंग जो है हमारी किन किन पावर पर डिपेंड करता है और कंट्री को या गवर्नमेंट को कौन कौन सी फैसिलिटी देनी चाहिए जिससे कि कंट्री के सिटीज़न की जो है सेविंग की जो प्रोपेंसिटी है, जो इंक्लाइनेशन है, वो बढ़ सके। तो आई डू होप कि आपको मेरा लेक्चर ये पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।